गया आज और क्या है। देखिए आना सागर में जो मछलियाँ मर रही है तो ये शहरवासियों को बहुत परेशानी हो रही है इसकी बदबू से। तो देखा तो हम मैं आज ये निरीक्षण करने आई और ये तो जो आना सागर झील है ये सिंचाई विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है, तो ये जो झील में बदबू आ रही है तो ये सिंचाई विभाग को देखना चाहिए, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा जो ये मछली मर रही है तो इसका ठेका जो है मत्स्य विभाग को दे रखा है, तो ठेकेदार को देखना चाहिए कि मछलियाँ मर रही है। जब उनको ठेका दिया है तो इतनी लाखों की आय करते हैं ये मछलियों के वर्ग के, तो उनको देखना चाहिए मछलियाँ मर रही है तो कुछ वो इसका इंजाम करें, मछलियाँ निकलवाएं, लेकिन वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आज निगम ने ही ये बीड़ा उठाया है। 3 दिन से जो है मछली जो मर कर किनारे पर आ रही है उनको मतलब अटवाया जा रहा है, और 3 ट्रॉली तो अटवा दी अभी तक मछलियों की, और 3 दिन से ये काम चल रहा है। और डिविडिंग मशीन भी हमने चालू करवाई ताकि जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़े, तो इसको देखते हुए हमने आज ये काम किया है। और पूरे आना सागर झील में जो एक तो चूना डलवाएंगे जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, दूसरा जो ये फाउंटेन है ये भी अब चालू करवाएंगे। तो ये काम हम कर रहे हैं। काई वगैरह भी हो रखी है, काई के लिए भी कुछ उपाय करनी है, काई जिससे ख़त्म। वैसे तो ये ऑक्सीजन ये चलेंगे फवारे वगैरह, इससे ये जो है काई हट जाएगी, बैठ जाएगी नीचे, और अगर नहीं बैठती है तो इसके बाद फिर कोई और उपाय करेंगे काई के लिए। अच्छा, मशीन कितनी लगा रखी है और किस तरह से काम करेगी? डिविडिंग मशीन फिलहाल तो एक चल रही है, बाकी जो है जो हमारे ट्रैक्टर से ट्रॉली से ये मच्छियाँ मरी हुई जो उठाई जा रही है। ये जिन मच्छियों का ठेका है उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? उनको नोटिस देंगे, काम उनका है, लेकिन जो है अजमेर की जनता उनके हित को देखते हुए या उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि उनको कोई परेशानी नहीं हो, बदबू से बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए निगम ने ये काम शुरू कर दिया है। मैम क्या कारण है पानी गंदा होने का? पानी गंदा होने का कारण ये है कि ये शहर की जो कॉलोनी है इसका सारा पानी आना सागर झील पे ही आ रहा है, जिसकी वजह से पानी इतना गंदा हो रहा है। तो अभी सीवरेज का भी जो काम चल रहा है ये लगभग थोड़े दिन में ही खत्म हो जाएगा, फिर ये पानी साफ हो जाएगा, फिर ये शायद समस्या नहीं आनी चाहिए। मैम एक तरफ जलकुंभी भी है, जलकुंभी की भी सफाई हर साल आप देखते ही हैं होती है, लेकिन वो वापस बढ़ जाती है, लेकिन इस बार हमने सोचा वो पूरी सुखा दी है हमने, तो फिर वो जेसीबी से हम पूरी मिट्टी सही से निकलवाएंगे ताकि तो ये वापस बढ़ने का इनको मौका नहीं मिले। बिहार के इधर कंटिन्यू अभी तक एक बार भी सफाई नहीं हुई है जलकुंभी की, करवाएंगे अब शुरू करवाएंगे वहाँ भी। आना सागर में मच्छियों का कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये 2 दिन और लगेंगे, सारी साफ हो जाएगी, जितनी मच्छियाँ किनारे पर आएंगी तो उनको सबको निकाल के हटा दिया जाएगा। ठीक है।